हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा सीरीज चल रहा है मैट्रिसेस आव्यू। आव्यू के हमने 5 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराया है और इस वीडियो में जो 5th नंबर का वीडियो मैं लेके आया हूँ, 4 हम पढ़ चुके, उसमें एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पूरे कंसंट्रेशन से आप वीडियो को देखिए, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं यूनिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का जो नेचर है, देखिए अभी हम जो पढ़ेंगे इन्वर्स निकालना, मैट्रिक्स का व्युत्क्रमणी व्यूह निकालना, जिसको हम इसके बाद सारणिक पढ़ेंगे, सारणी के बाद फिर हम एडजॉइंट पढ़ेंगे, सहखंडज पढ़ेंगे और फिर इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे लास्ट में। मतलब बीच में डिटर्मिनेंट्स सारणिक पढ़ने के बाद लास्ट में फिर आप भी, तो थोड़ा आप सीक्वेंस को समझेंगे। आप एनसीईआरटी के बुक्स के अकॉर्डिंग यदि चल रहे हैं तो बिल्कुल इसी आर्डर पर आपको पढ़ने को मिलेगा। और मैं एनसीईआरटी आरडी शर्मा बेसिकली इस बेस पर आपको कंटेंट्स प्रोवाइड कराता हूँ, तो थोड़ा ध्यान देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग से ही पूरे कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ेंगे। एक बार में हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम आए, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना गैप किए इमीडिएट आप वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देखिए, क्योंकि मैं जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ उस ट्रिक्स को एक बार आप दिमाग में अच्छे से बिठा लिए, फिर वो फॉर एवर प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणी आव्यूह। व्युत्क्रमणी आव्यूह ही कहते हैं, व्युत्क्रमणी आव्यूह हिंदी में। व्युत्क्रमणी आव्यूह को समझाने से पहले, व्युत्क्रमणी आव्यूह का मतलब यह है कि जैसे सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो हमको इसका ए इन्वर्स फाइंड करना है, ये इसका व्युत्क्रमणी आव्यूह कहलाता है, ये हमको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल बता दूं। इसके बाद देखिए, इन्वर्स फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। मैं अभी आपसे चर्चा किया कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स फाइंड करने के 2 मेथड हैं। एक जो आज हम बता रहे हैं, जिस मेथड को अपन बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, बाय ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और हिंदी में बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और हिंदी में इसको बोला जाता है प्रारंभिक रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण। इस मेथड को हमको पहले समझना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्युत्क्रमणी आव्यूह इन्वर्सिबल मैट्रिक्स फाइंड करने के 2 तरीके हैं अपने पास। एक तरीका जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको, और एक और मेथड जो आप पढ़ेंगे वो डिटर्मिनेंट्स मतलब सारणिक पढ़ने के बाद एडजॉइंट पढ़ेंगे, सहखंडज, उसके बाद निकालेंगे। जब भी ये बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो इन्वर्सिबल या व्युत्क्रमणी आव्यूह निकालने के लिए मेथड वो जरूर बोलेगा कि किस मेथड से निकालना है। यदि आपको क्वेश्चन में बोले कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना है, प्रारंभिक रूपांतरण से, तो आपको इसी मेथड को प्रीफर करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि बाद में जब मैं एक बार और इसको पढ़ाऊंगा तो आपको याद दिलाऊंगा कि मेथड कौन सा है। तो आज हमको सीखना है फाइंडिंग इन्वर्सिबल मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, व्युत्क्रमणी आव्यूह ज्ञात करना प्रारंभिक रूपांतरण विधि की सहायता से। तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि होता क्या है, देखो जैसे सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ए इक्वल टू सपोज मैंने कुछ लिखा 1 2 3 0 5 7 2 1 2, ऐसा मैंने कुछ लिखा। अब आपको पता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, रो, ये रो है और ये क्या है, कॉलम। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, हाँ एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिए
कि यदि हमको किसी क्वेश्चन को बनाना है तो या तो हम सिर्फ रो को ट्रांसफर करके स्टार्ट करेंगे तो रो के साथ ही हम काम करेंगे, और यदि कॉलम के साथ काम करेंगे तो ओनली कॉलम के साथ काम करेंगे। जबकि इसके बाद जो मैं आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ाऊंगा, ये सब बहुत कन्फ्यूजन है इसमें ना। तो डिटर्मिनेंट्स में हम रो में भी काम कर सकते हैं, कॉलम में भी। एक बार हमने रो में किया, फिर दूसरे बार कॉलम में कर सकते हैं, फिर हम रो में कर सकते हैं, मतलब हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। बट मैट्रिसेस में ये जो रूल्स बताते जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए, इसीलिए मैंने अपने वीडियो स्टार्ट करने के पहले कॉन्सेंट्रेशन की बात की आपसे, ठीक है? तो अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होएगा। तो मैट्रिसेस में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क ओनली रो में करेंगे या ओनली कॉलम में, जहाँ से आपने स्टार्ट किया। तो आप पहले डिटरमाइन कर लेंगे कि मुझे रो में वर्क करना है। वैसे मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि किसी एक तरीके को ही आप समझिए। वैसे मैं आपको रो के हेल्प से बताने वाला हूँ। अब ये क्या बताने वाला हूँ आपको, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हम रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये तो कॉलम हो गया, सॉरी, मैं रो से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आप ध्यान रखना कि इसको हम कॉलम पर भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरे पास ये एक रो है और ये एक रो है, तो इनको क्या है, हम म्यूचुअली इंटरचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। या हम चाहें तो जैसे मान लो सपोज रो फर्स्ट में, रो सेकंड को मेरे को, इसको हम कहेंगे, इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, इसको R3 बोलेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, इसकी जो संक्रिया होती है वो क्या है कि जैसे मान लो मेरे को R1 में R2 को माइनस करने का ज़रूरत है, तो मैं उसको ऐसा लिखूंगा R1 और एरो मतलब टेंस टू, और उसको लिखूंगा R1 - R2। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं R1 में R2 को माइनस कर रहा हूँ। मतलब आगे यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, इस संक्रिया से, इसमें से इसको माइनस किया तो 1, इसमें इसको माइनस किया तो -3, इसमें इसको माइनस किया तो -4, और ये एज इट इज़ रहेगा 057212। इस तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। सपोज मेरे को ज़रूरत है, अब मेरे को ज़रूरत है कि मैं R2 में, मान लो मैं प्लस करता, R2 में प्लस करता 2R3 को, 2 × R3। यहाँ पर आप ध्यान देना, 2 × R3 का मतलब क्या हुआ, R2 में मैं लिखना चाहता हूँ क्या करके, R2 में मैं प्लस करना चाहता हूँ और R3 में 2 को मल्टीप्लाई करके प्लस करना चाहता हूँ। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो उसको हम लिखेंगे, अब R1 वैसे ही रहेगा 1 - 3 - 4। अब R2 में लिखना है इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है, तो क्या लिखना है, R2 प्लस, इसमें ऐड करूँगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 2 = 4, और इसमें ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा 4, इसमें 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो गया, 5 के साथ ऐड होगा तो ये 7 हो गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 4, और 7 में 4 मल्टीप्लाई होगा तो 11, और ये ऐसे ही रहेगा 212। तो ये कहलाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। यही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं, जो काम अभी हम रो में किए हैं वही काम किस में कर सकते हैं, कॉलम में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सिखाया कि आप रो में किसी भी एक रो को दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, एक रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ में ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ये सब प्रोसेस आप कर सकते हैं, ये रूल है, ठीक है? और इसी रूल के हेल्प से हमको क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, इसी रूल को यूज़ करके। और यदि कोई स्टूडेंट चाहे तो ये काम कॉलम में कर सकता है, लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि आप एक तरीके को अपना लीजिए, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। और मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या होगा मैं रो से आपको समझाऊंगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक ऐसा यूनिक टॉपिक है कि रेयर ऑफ द रेयर स्टूडेंट्स इसको प्रॉपर बना पाते हैं, रेयर ऑफ द रेयर। मतलब यदि इसको कोई टीचर बहुत तरीके से ट्रिकी मेथड से ना पढ़ाया हो तो उसको बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपको, इसीलिए मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। मैं पिछले वीडियो में आपसे एक बार डिस्कस किया होगा, याद होगा कि मैंने इस टॉपिक को किसी के साथ इंक्लूड नहीं किया, ताकि स्टूडेंट्स जब इस मेथड को पढ़े तो ओनली एक वीडियो में सिर्फ यही पढ़े, आराम से बहुत टाइम देके और फ्री माइंड से उसको पढ़े, तो थोड़ा ध्यान देंगे, ये मैंने मेथड समझाया। अब ये तो हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये काम अभी मैं आपको रूल समझाया ना कि कर क्या सकते हैं, अब ये क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इजी क्वेश्चन 2x2 के मैट्रिक्स का,
उसके बाद इसमें थ्री क्लास थ्री ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब भी आएगा वही आएगा। वैसे सीबीएसई बोर्ड का तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि ये हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है क्योंकि यूनिक है। और 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स 6 मार्क्स के वेटेज का क्वेश्चन होता है क्योंकि बहुत लंबा बनता है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या है, देखो कि जो फार्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, इसमें जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है ए इक्वल टू आई इंटू ए। ऐसा हम लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए एक मैट्रिक्स है और हमको पता है कि किसी मैट्रिक्स के साथ में उसके उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, उसके मतलब इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री जो 1 1, ठीक है, तत्समक, कई बार मुझे हिंदी के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, तो तत्समक जो अभी होता है इस तरह का 1 0 0 1, इसका हम किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे हमको एलजेब्रा में पता है तो 3 इक्वल टू 1 इंटू 3 कर सकता हूँ, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। वैसे किसी मैट्रिक्स के साथ में उसके आइडेंटिटी का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो मैट्रिक्स के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता। तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और इसी को यदि हम ट्रांसफ़र करके लिख दें तो आर आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल, जिसको इधर ट्रांसफ़र किया तो अपान में चला आएगा, जिसको ए इंटू ए इनवर्स भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, मतलब यदि आई इक्वल टू आई इंटू ए हो तो देयरफॉर लिख दें यहाँ पर, देयरफॉर आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इस फॉर्म में ले आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके इस फॉर्म में लाने के बाद हम इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसके लिए, एक क्वेश्चन लिया, सपोज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए अपने पास एक मैट्रिक्स है ये, और इसका हम इन्वर्स निकालते हैं। पहले 2x2 का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक ईजी से एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 1 2 2 5 1 3 2 5, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 1 3, ये ए है और हमको इसका इन्वर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से। तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमको फाइंड करना है ए इन्वर्स। तो सिंस, लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सिंस ए इक्वल आई इंटू ए ये होता है, दैट इम्प्लाइज, अब हम इसके वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड में इसके वैल्यू को पुट अप कर दो, ये हो जाएगा 2 5 1 3, ये हो गया, और दैट इक्वल इसको हम आई को लिख सकते हैं क्या, 1 0 0 1, ये लिख सकते हैं, और इस ए को आप ए ही लिख के रखिए, इसको ए ही लिखना है, वहाँ पर ए का वैल्यू पुट अप नहीं करना है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये, इसमें इसके वैल्यू को पुट अप करना है आई को, और ए को क्या रखना है, ए ही रखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको राइट हैंड साइड में ध्यान नहीं देना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऐसे ऑपरेशन करने हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसके फॉर्म में, मतलब 1 0 0 1 के फॉर्म में आ जाए। कहने का मतलब ये 2 1 हो जाए, उसके बाद फिर ये 0 हो जाए, फिर ये भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये क्या हो जाए, 1 हो जाए, ये आपको ऑपरेशन करना है। तो सोचिए, दैट इम्प्लाइज, अब हम दोनों साइड में जो प्रोसेस करेंगे दोनों साइड में, ध्यान से समझना, इसको यदि मेरे को क्या करना है, 1 करना है, क्योंकि मेरे को इसको 1 लाना है, तो नेचुरली इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, 1/2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट रो में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये इसको लिख दिया 1, मतलब ऑपरेशन करी, यहाँ भी लिख सकते हैं ऑपरेशन, किनारे में भी लिख सकते हैं, जनरली हमको किनारे में लिखना चाहिए ताकि हमारा फ्लो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में लिख रहा हूँ, तो R1 में एरो लगाएंगे क्योंकि मैं R1 में लिखने वाला हूँ, और R1 में क्या लिखने वाला हूँ, वहाँ लिखने वाला हूँ मैं 1/2 R1, मतलब R1 में 1/2 में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, बस किसी के साथ में एड सब्सट्रैक्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं R1 में 1/2 मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो देखो, R1 में 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 1/2 जो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, 1, अब यहाँ भी करूँगा 1/2, तो क्या हो जाएगा, 5/2, R2 में तो मैंने कुछ नहीं किया तो क्या रहेगा, 1 रहेगा ये, और ये 3 रहेगा इस तरह से,
और यही काम हमको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। जो काम लेफ्ट में किया, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा ये 1/2, 0 में 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये तो 0 है और ये 1 ही रहेगा, और इंटू ए। तो ये ऑपरेशन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, वो संक्रिया अप्लाई किया। क्लियर आ गया समझ में आपको? तो हमारा टारगेट क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमको बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाना है, इस फॉर्म में लाना है, 1001 के फॉर्म में लाना है। तो 1 तो हम ले आए, अब नीचे के एलिमेंट में आइए, इसमें अब इसको हमको 0 बनाना है। तो नेचुरली यहाँ पर दिख रहा है, इसमें से यदि हम इसको माइनस कर दें, इसमें इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ क्या, R2 tends to R2 minus R1। ये सेकंड रो में फर्स्ट रो को क्या करने वाला हूँ मैं, माइनस। तो क्या होगा, देखिए ये 1 और उसको आप लिख दीजिए 5/2। अब इसमें R2 में R1 को माइनस करना है, इसमें ये माइनस होगा, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें ये माइनस होगा तो 3 minus 5/2, 2 LCM आएगा तो 6 minus 5, मैंने क्या आएगा 1/2, ये हो गया 1/2। और इसमें तो कुछ नहीं करना है, दैट इक्वल यही काम इसके साथ भी करना है। तो इसमें हम इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, 0। इसमें आप इसको माइनस करोगे, -1/2 आएगा, और इसमें इसको माइनस करेंगे तो 1 - 0 1 ही आएगा, और इंटू ए। तो ये ऑपरेशन है, साइड में इसको लिखते जाएंगे, जो वर्क किया उसको बगल में लिखते जाएंगे। यदि आप इस बात को नहीं लिखेंगे तो 100% गलत आएगा, क्योंकि चेक करने वाले टीचर जब इसके स्टेप के बाद इसको चेक करेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या किया है। इसलिए इस मेस में इस ऑपरेशन को लिखना जरूरी होता है। अब देखो, यहाँ पर हम 1 ले आए, 0 ले आए, अब यहाँ पर हमको क्या लाना है, 1 लाना है, ये लाना है, मैं बोला इस फॉर्म में उसको लाना है आपको। दैट इम्प्लाइज, अब हम क्या कर सकते हैं, दैट इम्प्लाइज 1, हाँ देखो ऑपरेशन को पहले डिसाइड कर लेना है अपने को क्या करना है। तो 1/2 1 कैसे बनेगा, जब हम इसमें क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, R2 tends to 2R2, मतलब ये R2 में सेकंड रो में मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो गया 1, ये हो गया 5/2, यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 होगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? और दैट इक्वल यहाँ पर देखो आप, यहाँ 1/2 0, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, तो हो जाएगा -1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 और इंटू ए, दैट इम्प्लाइज। अब हमारा एक काम बचा, इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसको 0 होना चाहिए। ये 0 कैसे होगा, यहाँ पर आप ध्यान दो, ये 0 कैसे होगा, तो इसमें मैं 5/2 मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 5/2 मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें उसको माइनस कर दूँ, तो 5/2 - 5/2 0 हो जाएगा। मतलब ऑपरेशन क्या हो जाएगा हमारा, हम R1 में लिखने वाले हैं, तो R1 जहाँ लिखने वाले होते हैं उसको लेफ्ट साइड में लिख के ऐसा आप एरो लगाएंगे, तो हम R1 में लिखने वाले हैं। और क्या लिखने वाले हैं, हम R1 में लिखने वाले हैं R1 माइनस, इसमें हम माइनस करेंगे, इसमें क्या मल्टीप्लाई करके, 5/2 R2, ये ऑपरेशन है यहाँ पर। तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वर्क करिए, यहाँ पर R1 में माइनस करना है 5/2, इसमें 5/2 मल्टीप्लाइंग करूँगा तो क्या होगा, ये 0 ही रहेगा, तो ये हो गया 1। यहाँ पर मैं 5/2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/2 हो जाएगा, और R1 में उसको माइनस कर दूँगा तो 5/2 ये 0 हो जाएगा, और ये 0 ये तो 1 ही रहेगा। दैट इक्वल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना ना, R1 में हम मल्टीप्लाई ये करेंगे R1 - 5/2, तो R1 क्या है, 1/2, और -5/2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये तो +5/2, R2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/2, 6/2 मतलब 3, तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पर हम -5/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 - 5/2 मतलब क्या हो जाएगा, ये -5/2 होगा, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं, -1
टू इंटू ए, ये हो गया। अब जैसे ही हम इस स्टेप में पहुंचेंगे, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, तत्समक आव्यूह के रूप में आएगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये जो वैल्यू है वह ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स का वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ए इनवर्स जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी तो आई होगा, क्योंकि आई है, ये आई है, तो आई इक्वल टू इसी को ट्रांसफर करके बनाया गया है ना, तो इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को आई बनाया। लेफ्ट हैंड साइड को आई बनाने से आई के सामने जो कोफिशियंट बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगा, वही मैट्रिक्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो देयर फॉर हम लिख सकते हैं, देयर फॉर ए इनवर्स इक्वल टू 3 माइनस 5 बाई 2 माइनस 1 और 2, ये क्या है हमारा आंसर है। क्लियर? एक बार मैं बुक से आंसर टेली कर लूं, इसका आंसर आता है 3 माइनस 5 माइनस 1 2 3 माइनस 5, यहाँ कुछ मिस्टेक किया, ये माइनस 5 आएगा। अच्छा यहाँ पर देखो कि आंसर में माइनस 5 आया है, मैं यहाँ पर 2 कैसे लिखा, यहाँ पर R2 में हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से ये 1, इसको देखिए यहाँ पर ये हमने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ कैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर R1 माइनस माइनस 5 बाई 2, यहाँ पर माइनस 5 बाई 2 का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ मतलब यहाँ माइनस 5 बाई 2 का, तो 5 बाई 2 लिख डाला था धोखे से, तो यहाँ पर माइनस 5 बाई 2 इंटू 2 होगा, तो 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 5, दैट मीन्स 0 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 5 होगा। क्लियर? ये माइनस 5 होगा, समझ में आया ना कहाँ मिस्टेक कर लिया था हमने, ये 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर पाए थे, 2 R2 के साथ में जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 बाई 2 2 2 2 कैसे माइनस 5 आएगा, और वो फिर 0 के साथ में माइनस होगा तो माइनस 5 आएगा। इस तरह से इसका आंसर आएगा 3 माइनस 5 माइनस 1 और 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा सा अभी आपको अजीब लगा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इस तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स में यही काम करना है। ये काम हम रो में स्टार्ट किए हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ रो में किए तो यहाँ आप कॉलम में नहीं कर सकते, ये डिटर्मिनेंट्स में कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे उसको, बाद में मैं डिस्कस करूँगा, रो में ही करना है। आपको टारगेट समझ में आ गया कि हमको इस फॉर्म में लिखने के बाद ये जो पूरा मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड का, इसको हमको कन्वर्ट करना है 1001 में, यही हमारा टारगेट है। और उसी तरह से अपने को सोच सोच के, ये दिमाग लगाने वाला काम है, क्योंकि हर स्टूडेंट हर स्टेप में अपने तरीके से सोचेगा कि मैं इसके एलिमेंट्स को कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, और राइट साइड तो अपने आप चेंज होते रहेगा, उसको हमको नहीं देखना है। तो ये तो 2 क्लास 2 का था, और ये आपको समझ में आ गया होगा, इजी लगा होगा, लेकिन यही मैट्रिक्स यदि 3 क्लास 3 का हो तो ये प्रोसेस सोचने में बहुत कठिन लगता है, और कभी कभी स्टूडेंट तो 30, 40, 45 स्टेप तक चले जाते हैं लाते और ला भी नहीं पाते। तो मैं 3 क्रॉस 3 को एक ट्रिक्स टेक्निक से आपको समझाऊंगा, उस ट्रिक्स को आपको समझना है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 3 क्रॉस 3 का, और सबसे पहले मैं आपको उसके ट्रिक्स आपको बताऊँगा, जिसको मैं 15 ट्रिक्स बोलता हूँ, और उसकी सहायता से आपको समझाऊँगा। तो ये मैंने उसी ट्रिक्स को यहाँ पर अप्लाई किया है, लेकिन ट्रिक्स यहाँ पर मैं आपको बताया नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन था, 3 क्रॉस 3 में हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं इरेज करता हूँ, और 3 क्रॉस 3 का हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं। थ्री क्लास थ्री को बनाने से पहले मैं आपको अपना 15 ट्रिक्स एक्सप्लेन कर दूं, और उसी को क्या करना है हमको समझना है। देखिए तो 3 क्लास 3 का मैट्रिक्स का 15 ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको आपको दिमाग में बिठाना है पहले, सबसे पहले या तो आप इसके एक शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है, इस एलिमेंट्स का मैं नाम दे देता हूँ, सपोज इस एलिमेंट्स को मैं नाम दे दिया ABCD से, अपने हिसाब से लिख देते हैं ABCD।
डी ई एफ जी एच आई, ये 3x3 का। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के फाइंड कर सकते हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं कर पाया। देखो यहाँ पर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, 3 रो 3 कॉलम, इससे पहले 2 रो 2 कॉलम, तो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, वर्ग अभी होना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो 15 ट्रिक्स में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये यहाँ से मैं इसको, ये हुआ 15, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे अपन 15 लिखते हैं कैसे, ऐसा और ये ऐसा, इसको यहाँ से हम ज्वाइंट कर दिए। ये डिजाइन आप देखो, ये 15 हो गया इस तरह से, तो ये ऐसा फिर ऐसा, ये हो गया ये 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 और ये मैंने यहाँ 15 लिखा है। देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, फिर ये सेकंड पॉइंट होगा, फिर ये थर्ड पॉइंट होगा, फिर ये फोर्थ पॉइंट होगा, ये 5, फिर हम यहाँ चले आएंगे 6, फिर यहाँ चले आएंगे 7, फिर यहाँ चले आएंगे 8, और लास्ट में हम एंड करेंगे यहाँ। ये है 15 ट्रिक्स। तो इसमें करेंगे क्या अपन, इसको मैं 15 बनाया यहाँ पर। देखिए ये बहुत यूनिक मेथड है ना, बहुत ध्यान से समझना, ये इस ट्रिक्स से आप काम नहीं करेंगे तो एक रैंडम मेथड से आप हमेशा उलझे रहेंगे। तो ये 15 आपको जैसे मैट्रिसेस मिलेगा, ये 15 फॉर्म में इसको, अब इसमें करना क्या क्या है मेथड को आपको समझा रहा हूँ। आपको मालूम है कि हमको इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट किस में करना है, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है अपने को 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही लाना है जो कि आई है, इस मैट्रिक्स को ये लाना है। तो कैसे कैसे आएगा आप बहुत ध्यान से सुनिए, हालांकि मैं यहाँ पर कितना भी समझाऊँ, जब तक इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कराने से पहले अपने मेथड को मैं बता दूं कि मैं वर्क कैसे करूंगा, ये चीज़ आप लिख के रखना तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या, यहाँ से मैं स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमको इसको 1 बनाना है, सबसे पहले हमको इसको 1 बनाना है, इस एलिमेंट को, ए को। तो क्या उपाय है अपने पास, ए को 1 बनाना है, मतलब उसके व्युत्क्रम का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लो वहां पर ए के जगह में 5 है, तो क्या करूंगा 1/5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा। तो पहला स्टेप को 1 बनाने का मेथड आपको समझ में आ गया, इसको 1 कैसे बनाना है, यहाँ पर a है तो 1/a का मल्टीप्लाई कर दूंगा उस पहले रो में। तो जैसे ही उसमें उसके व्युत्क्रम का, उसके व्युत्क्रम का, उसके इन्वर्स का जैसे मल्टीप्लाई करूंगा अपने आप 1 हो जाएगा। तो यह समझ में आ गया, तो ये 1 हमको मिल गया, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, अब मेरे को यहाँ चाहिए 0, यहाँ मेरे को 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये तो 1 हो चुका है, तो इसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूंगा जो यहाँ पर है, क्लियर। सपोज यहाँ पर 6 है, तो इसमें मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें उसको माइनस कर दूंगा तो ये 0 मिल जाएगा, क्लियर। अब इसको मेरे को 0 लाना है, तो फिर मैं इस R1 में, मान लो यहाँ पर 9 है, तो फिर मैं इस R1 में 9 को मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूंगा, ये भी 0 आ जाएगा, 2 0, आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। अब आप जैसे ही 15 बनाने के लिए इधर बढ़ेंगे, तो इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए आप क्या करना, यहाँ पर जो नंबर रहेगा, देखो ये 0 इसकी सहायता से हो रहा है, ये 0 भी 1 की सहायता से हो रहा है, और ये 0 इसकी सहायता से होगा, क्लियर। यहाँ पर मैं आपको और यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, तो ध्यान रखना कि ये 1 होगा और इसकी सहायता से ये 0 होगा, इसकी सहायता से ये 0 होगा, और ये 0 होगा या 7 की सहायता से, अपने ऊपर वाले की सहायता से, ये इसकी सहायता से 0 होगा। कैसे 0 होगा, यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर है उसके उल्टा का मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर आप बना दो, इस नंबर के बराबर इसको बना दो और उसमें उसको माइनस कर दो। तो या जैसे ही इसमें से इसको आप माइनस करोगे ये 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो जाएगा तो इसको आपको 1 बनाना है, तो ये 1 कैसे बनेगा, यहाँ जो रहेगा
उसके उल्टा का मतलब जो काम आप यहाँ पर किए थे। बहुत उलझ गए होगे आप लोग मुझे मालूम है, लेकिन ये टॉपिक ही वैसी है। लेकिन मेरा एक चैलेंज है, यदि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होगे तो फिर आप किसी को भी ऐसा बताओगे कि ये आप पूछो मत, बस और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार आज आप मेरे साथ अच्छे से मेहनत कर लो, उसके बाद ही आपके बिल्कुल फिंगर टिप में रहेगा, फटाफट फटाफट आप बता दोगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और मैं चाहूंगा कि इस मेथड को जितने भी मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो से देखेंगे उनको समझ में आएगा, प्रॉब्लम होगा जो भी होगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम आया। मैं दोबारा भी उसको समझाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मुझे भरोसा है उस वीडियो को आप बार बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं मेथड समझा रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, बस इसको आप समझ लो मैं करने वाला क्या हूँ उसको। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको 1 बना दूंगा। अब जैसे ही 1 बनेगा ये, तो यहाँ पर हम कैसे 15 बना रहे हैं, देखो ये फिगर को देखो। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे तो इसको 0 करना आसान है। कैसे आसान है, इसमें जो है उसको मल्टीप्लाई करके इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ चले गए। यहाँ के बाद फिर हमको यहाँ जाना है, तो यहाँ पर तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, यहाँ जो नंबर है उसको कॉमन कर लेंगे या उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी 1 बन जाएगा। 1 बनाना तो बहुत आसान है, जब ये 1 बन जाएगा तो इसमें हम मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और उसके 0 होने के बाद ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा इसके हेल्प से, 1 के हेल्प से इसको 0 कर देंगे। इसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे उसमें से उसको माइनस कर देंगे, 1 हो चुका है। तो ये है हमारा 15 ट्रिप्स। यहाँ पर देखो 15 बना है, इसको मैं मिटा दूँ, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आप लोगों को। तो ये ऐसा आए, ये ऐसा गए और ऐसा गए, तो क्या बन गया, ये 15 बन गया। इसी को मैं बोलता हूँ 15 ट्रिक्स फॉर इमर्सिबल मैट्राइसेस। तो इस प्रोसेस पर अपने को चलना है, ये 15 बना के और ऐसे अपने को करते जाना है, क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, और चूंकि इसके पहले मैं क्या करने वाला हूँ ये एक्सप्लेन कर दिया तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ और पूरे बोर्ड को इरेज करता हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा स्पेस चाहिए, और क्वेश्चन को लेते हैं। हो सकता है 2 बार बोर्ड इरेज करना पड़े, इतना लेंदी है ना। देखो अपने पास क्वेश्चन है ए इक्वल, जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं आप लोग के लिए, 2 माइनस 3 3, 2 माइनस 3 3, नेक्स्ट रो इज 2 2 3 2 2 3, एंड नेक्स्ट रो इज 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2 2 2, ना हाँ ठीक, ये ए का वैल्यू है। अब मैं स्टार्टिंग में आपको फार्मूला बताया, क्या बताया, सिंस ए इक्वल आई इंटू ए, ये होता है, ये तो हो गया, समझा दिया मैं स्टार्टिंग में। अब इसके वैल्यू का आप पुट अप करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करते हैं, ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज ए का वैल्यू ये 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2। बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ हड़बड़ी नहीं है, और आप पूरा ध्यान से समझिए। जनरली मैं इजी क्वेश्चन को फटाफट बता देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन को बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और मैंने बोला था इसको आपको वैसे ही रखना है। तो पहला काम यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप कर दिए, क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, दैट इम्प्लाइज। अब हमारा काम शुरू होता है, मैं एक एक एलिमेंट को यहाँ पर राउंड अप करते जाता हूँ। देखो इसके लिए मेरे को काम करना है, इधर आपको कुछ नहीं देखना है, उधर तो अपने आप होता जाएगा। इसको मेरे को 1 बनाना है, तो मैं क्या मेथड बताया, इसमें 1/2 में मल्टीप्लाई कर दूं, और किसी एलिमेंट को अब मत देखो आप,
बिल्कुल अर्जुन की तरह आप मछली की आंख को देखो, बस जिस नंबर के लिए आपको काम करना है उसी पर फोकस हो जाओ, और आपको कुछ मत दिखे, सिर्फ ये टू दिखे। तो टू वन कैसे होगा, जब उसमें वन अपॉन टू मल्टीप्लाई होगा। और ये किस रो का एलिमेंट है, क्योंकि मैं रो में काम कर रहा हूँ, ये आर वन का एलिमेंट है, तो नेचुरली आर वन में मुझे वन अपॉन टू क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो आप ऑपरेशन को पहले लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। कैसे लिखोगे, आर वन टेंस टू क्या करने वाले हैं अपन, वन अपॉन टू आर वन, माने आर वन में हम वन अपॉन टू मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इसको आप पहले लिख लेना, फिर प्रोसेस स्टार्ट करना। चलिए करते हैं, ये आर वन है और इसमें हम वन अपॉन टू मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ वन अपॉन टू मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, वन हो गया, ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू, ये क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू। बहुत आसान है यदि आप टेक्निक को समझ लोगे, मेरा 15 ट्रिक समझना है आपको बस। ये हो गया, अब बाकी में कुछ नहीं किया है तो वैसे राइट साइड में भी कर देंगे अपन, राइट साइड में भी वही काम कर देंगे। पहले इसको लिख लें, टू टू थ्री, थ्री माइनस टू टू, और यहाँ पर भी वही काम करेंगे क्योंकि दोनों साइड करना होता है। तो हो जाएगा वन अपॉइंट टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो वन, जीरो 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 वन। ऐसे टाइम में जीरो बहुत मज़ा आता है ना, ऐसे टाइम में जीरो देखने से बहुत अच्छा लगता है, जीरो है, नंबर्स को देख के घबराहट होती है, लेकिन अपने को जीरो जीरो तो लाना है यहाँ पर, दैट इम्प्लाइज। अब देखो, अब हमारा सेकंड नंबर का काम, फिर मैं क्या बोला, पहला काम हमारा हो गया, इसको मैं घेरा था, अब ये, अब अगला टारगेट हमारा ये है, और इसको क्या लाना है, जीरो, वन के पास जीरो लाना है, ये आपको लाना है, मतलब जो ये है उसको ये बनाना है आपको, ये समझ लो। तो अब ये मैं टू को यहाँ पर राउंड किया हूँ, इसको मेरे को क्या बनाना है, जीरो। तो अभी 15 ट्रिक्स में क्या बताया था, इसमें यदि मैं टू मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें और इसमें माइनस कर दूँ तो टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो। ऑपरेशन क्लियर हो गया आपका, तो क्या करेंगे हम इसको, ये ऑपरेशन को मैं ब्लू इंक से लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा हाईलाइट होगा, आर वन वन अपॉइंट टू आर वन, ये किया। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मल्टीप्लाई करने, आर टू में लिखना है ना अपने को, तो आर टू में लिखना है, तो आर टू एरो लगाओ ऐसा, और क्या करने वाले हैं अपन, आर टू में माइनस करने वाले हैं, क्या करके, आर वन में टू को मल्टीप्लाई करके, तो टू आर वन, इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इस प्रोसेस को यहां पर अप्लाई करते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, पहले रो को तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे, वन माइनस थ्री बाई टू और थ्री बाई टू, इसमें तो हमको कुछ करना नहीं है, अब यहां करना है। तो आर टू माइनस टू आर वन, टू मल्टीप्लाई करके माइनस किए, क्या हो गया, जीरो हो गया। यहीं पर कुछ मिस्टेक होने का चांस रहता है, थोड़ा ध्यान देना ना, नहीं तो रफ में करके देख लेना। ये है आर टू अपने पास, तो टू यहां मैं कर रहा हूं, टू माइनस क्या करना है, टू आर वन, इसमें टू मल्टीप्लाई करना है, यहां ध्यान देना, टू मल्टीप्लाई करूंगा टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी यहां पर और माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, थ्री प्लस टू कितना आएगा, फाइव। तो यहाँ का एलिमेंट क्या हो गया, ये फाइव हो गया, यहाँ का एलिमेंट क्या होगा, थ्री माइनस, यहाँ मैं टू मल्टीप्लाई करूँगा, टू मल्टीप्लाई करूँगा, टू टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, थ्री बचेगा, क्लियर। माइनस कर रहे हैं तो थ्री माइनस थ्री जीरो, कितना अच्छा लगता है जब जीरो आता है, क्लियर, ये जीरो हो गया। अब इसको आप कॉपी कर दो, थ्री माइनस टू टू, ये काम हमको यहाँ भी करना है, दोनों साइड करना होता है। तो यहाँ तो बहुत जीरो ऑलरेडी ऐसे ही फटाफट हो जाता है, पहले को कर दो वन अपॉइंट टू जीरो जीरो, ये और इन टू ए यहाँ बाहर लिख दिए, आर टू माइनस टू आर वन, इसमें टू मल्टीप्लाई करूँगा, टू मल्टीप्लाई करूँगा वन बन जाएगा, और जीरो के साथ उसको माइनस करूँगा वन को, तो कितना हो जाएगा, माइनस वन होगा। यहाँ पर इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें जीरो ही रहेगा, और इसमें हम इसको माइनस करें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वन ये जीरो तो जीरो है, और ये जीरो जीरो वन, ये लाइन आपको समझ में आ गया। बस पेशेंस के साथ एक एक किससे पाप उसको समझते जाओ, बाकी कुछ नहीं रखा है। अब देखो हम धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ आ रहे हैं, वन जीरो वन जीरो हमको मिल गया। अब अगला टारगेट है हमारा क्या, ये
थ्री को जीरो करना है, थ्री को जीरो करना है, तो थ्री को जब आप जीरो करोगे तो इसके हेल्प से करोगे, जैसे उसके हेल्प से अभी मैं मेथड में समझाया कि वन ये दोनों को जीरो करने की जिम्मेदारी लिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं अपन, देखो मैं ऑपरेशन यहां पर पहले लिखता हूं, हम क्या करने वाले हैं, इसमें थ्री मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करने वाले हैं, मतलब हम करेंगे आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन, ये हमारा ऑपरेशन है, ठीक है। ये मैं ब्लू से लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा अलग से दिखेगा, आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन, ये अपना ऑपरेशन है। चलिए अब इसको ओपन करते हैं, दैट इम्प्लाइज पहले रो को आप कॉपी कर दो, वन माइनस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, सेकेंड रो को कॉपी कर दो, कुछ करना ही नहीं है, जीरो फाइव जीरो, जो होना है थर्ड रो में होना है क्योंकि हम थर्ड रो के लिए ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो थर्ड रो को देखो और फर्स्ट को देखो केवल, इसमें थ्री मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ माइनस करूंगा जीरो, वो तो जीरो आना ही, उसी के लिए इतना कुछ किया गया है ये। अब थोड़ा यहाँ अलर्ट होना, यहाँ मैं थ्री मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ थ्री मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें माइनस करूँगा, तो ये है माइनस टू, और यहाँ थ्री मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा नाइन, तो माइनस माइनस नाइन बाई टू, माइनस नाइन बाई टू होगा, ये थोड़ा अलर्ट रहना है आपको। इसको हम सॉल्व किए तो माइनस टू प्लस नाइन बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस नाइन बाई टू, मतलब कितना हो गया फाइव बाई टू, तो यहाँ का एलिमेंट आया क्या फाइव बाई टू। ये आप सॉल्व करके थोड़ा रफ में देख सकते हैं या ओवरऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब थर्ड एलिमेंट के लिए आओ, थर्ड एलिमेंट में यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है क्या थ्री, इसमें माइनस करना है, तो ये हो गया टू माइनस, यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई करूँगा तो नाइन अपॉन टू, टू एलसीएम आएगा तो फोर माइनस नाइन हो गया यहाँ पर, तो माइनस फाइव बाई टू, ये हो गया माइनस फाइव बाई टू, क्लियर। दैट इक्वल, अब यही काम आपको राइट साइड में यहाँ पर भी करना है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई, पहले तो हम दोनों रो को कॉपी कर ले, वन अपॉइंट टू जीरो जीरो, वन अपॉइंट टू जीरो जीरो, उसके बाद माइनस वन वन जीरो, इसको हम लिख ले तो कन्फ्यूजन नहीं रहता, इन टू ए तो रहेगा ही। अब यहाँ पर आप करो, वन अपॉइंट टू में थ्री मल्टीप्लाई करेंगे थ्री अपॉइंट टू होगा, और जीरो में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू हो गया ये, यहाँ जीरो में कुछ ही मल्टीप्लाई करो जीरो जीरो, ये तो जीरो रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर तो जीरो ही रहेगा, और ये वन, जीरो माइनस करने से ये जीरो, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब 15 में हमने ये वाला लाइन कंप्लीट कर लिया, अब नंबर किसका है, अब नंबर इसका है, क्या बनाने का, जीरो बनाने का, अब उसको जीरो बनाना है, और मैं आपको अभी हिंट किया था 15 के ट्रिक्स में, वो ऊपर वाले 5 के हेल्प से बनेगा। तो आप यहाँ पर सोचो, दैट इम्प्लाइज ये जीरो इसके हेल्प से बनना है, इसको इसके हेल्प से, तो इसको मेरे को क्या बनाना पड़ेगा 5/2, और इसमें 5/2 बना के इसमें माइनस कर देता हूँ, तो 5/2 कैसे बनेगा जब उसमें 1/2 को मल्टीप्लीकेशन करूँगा। तो ऑपरेशन इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोसेस को डिसाइड करना कि करना क्या है, प्रोसेस किस में होना है आर थ्री में, लिख दिया मैं आर थ्री टेंस टू, किसके हेल्प से होना है आर टू के हेल्प से होना है, तो आर थ्री में माइनस करने वाले हैं अपन किसका 1/2 आर टू का। ये चीज यदि आपने प्रॉपर डिसाइड कर लिया तो कुछ नहीं रखा हुआ है, क्लियर। अब प्रोसेस को करिए, तो पहले रो को लिख देते हैं अपन, वन माइनस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, जीरो फाइव जीरो, और यहाँ पर आप देखो अब आर थ्री के हेल्प से, तो आर थ्री में माइनस, तो जीरो इसके साथ कुछ होना ही नहीं है, यहाँ पर आप देखो आर थ्री में माइनस होगा, मतलब 5/2 में माइनस होगा, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई हो गए, माने माइनस 5/2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया जीरो, इसी के लिए तो ये अरेंजमेंट किया ही गया था। तो एक एक एलिमेंट के लिए आपको सोचते जाना है, ये हो गया, और यहाँ पर जो भी आए तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 कुछ नहीं होगा, तो ये तो माइनस 5/2
टू ही रहेगा, ये दैट इक्वल यही काम आप यहाँ पर करोगे तो ये वन अपॉइंट टू जीरो जीरो ये तो यही रहेंगे, माइनस वन वन जीरो वही रहेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है ना, यहाँ पर आर थ्री में माने माइनस थ्री बाई टू में ये आपको मल्टीप्लाई करना है वन बाई टू, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा वन बाई टू, क्लियर। ये माइनस है सीधा सीधा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कर सकते हैं आप ये, तो यहाँ पर वन बाई टू मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ तो माइनस थ्री बाई टू, यहाँ पर एलसीएम आएगा टू माइनस थ्री प्लस वन माने माइनस टू बाई टू दैट मीन्स माइनस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वन, क्लियर। इसी एलिमेंट्स के लिए किया ना मैं माइनस थ्री बाई टू और इसके साथ सॉरी आर टू के साथ, हाँ ठीक ये हो जाएगा वन माइनस वन, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इसमें है ना। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे क्या, इसमें वन बाई टू मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करोगे तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा, वन बाई टू मल्टीप्लाई होगा यहाँ माइनस होगा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि जीरो है और इंटू ए, ये इसका प्रोसेस है। प्रोसेस को आप जस्ट साइड में लिखेंगे बगल में ना, ऊपर नीचे नहीं होगा, मैं थोड़ा नीचे लिख लिया, सेंटर में भी लिखते हैं लेकिन मैं जनरली साइड में लिखने को प्रीफर करता हूँ क्योंकि सेंटर में लिखने से थोड़ा सा स्टेप डिस्टर्ब होता है। दैट इम्प्लाइज अब आप देखो अब किसका नंबर है, मैं घेरते जा रहा हूँ जिसका जिसका नंबर है उसको, अब इसका नंबर है क्या बनाना है उसको वन, ये वहाँ वो वन रहेगा उसका पोजीशन ये है वन होना है उसको, ये वन कैसे होगा जब इसमें मैं माइनस टू बाई फाइव मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस टू बाई फाइव कैसे, ये माइनस फाइव बाई टू है इसमें माइनस टू बाई फाइव में मल्टीप्लाई करूंगा, टू टू से कटेगा फाइव फाइव से माइनस ये वन हो जाएगा, तो बहुत आसान है सोच लिए अपन इसको, माइनस टू बाई फाइव किस में आर थ्री में, तो कुछ नहीं करना है इसमें, आर थ्री टेंस टू माइनस टू बाई फाइव आर थ्री, क्लियर। क्या किया आर थ्री में हमको मल्टीप्लाई करना ही है, तो बाकी एलिमेंट्स को आप यहाँ से कॉपी कर दो, बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएगा ये वन माइनस थ्री बाई टू थ्री बाई टू ये हो गया, यहाँ जीरो फाइव जीरो, यहाँ पर जीरो जीरो और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है उसका, तो क्या हो गया ये वन, दैट इक्वल वन बाई टू जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो इंटू ए। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया टू अपॉन फाइव हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वन अपॉन टू का मल्टीप्लाई होगा तो टू अपॉन फाइव में वन अपॉन टू तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वन अपॉन फाइव, ये हो जाएगा वन अपॉन फाइव और यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव क्योंकि वहाँ पर वन है, ये हो गया। देखिए अब हम यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद हमको अगला एलिमेंट ये जीरो, इसको देखते जाइए आप, इसके ऊपर चले जाएँ फिफ्टीन बना रहे हैं ऐसा ऐसा, फिर यहाँ तो यहाँ तो ऑलरेडी जीरो है ही, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा अपने को, तो इसको हटा दो कुछ नंबर रहता तो हम इसकी सहायता से उसको जीरो कर देते हैं, इसकी सहायता से ऑलरेडी जीरो आ गया है। अब हमको इसके लिए काम करना है, वहाँ क्या चाहिए वन चाहिए, यहाँ वन तो वन तो वन पाने का आसान तरीका है उसके उल्टे का मल्टीप्लाई कर देना है, दैट मीन्स आर टू में हम क्या करें यहाँ पर आर टू टेंस टू क्या वन अपॉन फाइव आर टू, मैंने पूरे आर टू में वन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा अपने को देखो, दैट इम्प्लाइज ये वन माइनस थ्री बाई टू थ्री बाई टू, ये इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या वन अपॉन फाइव, तो जीरो को तो फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो यहाँ वन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई करेंगे वन हो जाएगा, ये जीरो ही रहेगा जीरो जीरो वन और दैट इक्वल ये हो जाएगा वन अपॉन टू जीरो जीरो, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर टू में ना तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन फाइव, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन अपॉन फाइव ये जीरो का जीरो रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा टू अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव और माइनस टू अपॉन फाइव
और इनटू ए। ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि एक तो क्वेश्चन आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। और 15 इसके पहले जो मैं 15 का ट्रिक्स बताया, ये चल कैसे रहे आप देख रहे हो ना, इसको आप देखोगे समझ में आएगा कैसे कैसे नीचे उतरते जा रहा है और कैसे 15 वाले ट्रिक्स में चल रहे हैं। हम यहाँ तक पहुँचे हैं अभी, क्योंकि मैं ये वाले पोर्शन को अब इरेज करूँगा। तो आप इसका, मैं चाहता हूँ स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि मैथमेटिक्स का तो PDF में प्रोवाइड नहीं है, मतलब भी नहीं उसका। मैथमेटिक्स तो आप मेरे क्लास में पढ़िए और अपने बुक से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, क्लियर। अब आगे चलते हैं, ये वाला पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूँ, वो भी यहाँ तक। प्रैक्टिस रहे तो आप स्पीड से बात कर पाएंगे। बाय द वे, आपको पहली बार पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा या फिर ऐसा, प्रैक्टिस के बाद वो स्पीड में आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं कॉन्फिडेंस से बना रहा हूँ, आप बना सकते हैं। दैट इम्प्लाइज, अब आगे हमारा टारगेट क्या है, देखो एक एक करके टारगेट को बताते जा रहा हूँ मैं। हम यहाँ पहुँच गए हैं और अब हमको यहाँ इसको मैं रेडिंग से कर दूँ, है ना। एक एक एलिमेंट को मैं राउंड आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको पहुँचना है किसके बाद कहाँ पहुँचना है अपने को। ये इसको क्या बनाना है आपको, जीरो बनाना है, ठीक है, क्योंकि बाकी एलिमेंट जीरो रहते हैं। तो इसको आप जीरो बना सकते हैं अब इसकी सहायता से। नहीं, ये तो कॉलम हो जाएगा, है ना, ये तो कॉलम हो गया। रो की सहायता से बनाना है तो इसकी सहायता से बना सकते हैं। कॉलम का नहीं करना है, ध्यान रखना है कि हर प्रोसेस आपको रो में करना है, कॉलम तो शुरू से करना पड़ेगा। तो ये वन है तो कोई टेंशन नहीं, इसमें वन में क्या करो, 3/2 मल्टीप्लाई करो, इसके साथ में ऐड कर दो, तो 3/2 माइनस प्लस जीरो हो जाएगा। तो ऑपरेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं किस में, R1 में लिखने वाले हैं। क्या करके लिखने वाले हैं, R1 में हम ऐड करने वाले हैं, यहाँ पर प्लस है इसलिए माइनस इसलिए, और इसमें किस में, 2 में किसका मल्टीप्लाई, 3/2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं R2 में, ये R2 है। चलो प्रोसेस को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज R1 को आप लिख दो, क्योंकि R1 में, अच्छा R1 में ही तो हो रहा है ना, हाँ R1 में। तो इसमें तो जीरो कुछ नहीं होगा, 1 ही रहेगा, ये हो गया। यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई करूँगा, 3/2 हो जाएगा, इसके साथ ऐड करूँगा, ये जीरो होगा, इसी को तो जीरो बनाना है अपने को। अब यहाँ पर कुछ भी करूँगा तो 3/2 ही रहेगा, ये हो गया 3/2। नीचे कोई चेंज नहीं, 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा दैट इक्वल। अब यही प्रोसेस हमको उस साइड में भी करना है, तो थोड़ा ध्यान रखना ना। ये R1 में मतलब 1/2 में आप ऐड करने वाले हो इसका -1/5 में क्या मल्टीप्लाई करके, 3/2, इसमें -5/3/2, पहला एलिमेंट की बात हो रही है, यही थोड़ा ध्यान रखना है। 1/2 ये माइनस हो गया और ये 3/10 हो जाएगा, यहाँ से 3/10 हो जाएगा, LCM आ गया 10, तो 2/5 जा, ये हो गया 5 -3, दैट मीन्स 2/10 इक्वल टू 1/5, ठीक है, 3 - 2 5 - 3 1/5। तो यहाँ का एलिमेंट क्या हो गया, 1/5। अब यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है आपको ना, क्योंकि बहुत छोटा चीज़ है, मिस्टेक हो जाता है, कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, पता नहीं चल पाता एलिमेंट्स हड़बड़ी में, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है बस। अब यहाँ पर 0 में 1/5, ये 0 + 1/5 के साथ आप मल्टीप्लाई करने वाले हो क्या, 3/2, तो ये तो हो जाएगा 3/10, ठीक, ये हो गया 3/10 ये एलिमेंट। और लास्ट एलिमेंट तो 0 है, तो 0 रहेगा, 0 को कुछ नहीं होना है, ये 0 रहेगा, बाकी को कुछ करना नहीं है, बाकी वर्क हो चुका है। -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5 और इनटू ए। अब देखो, अब हमारा लास्ट स्टेप का काम बचा, किस एलिमेंट में आ जाएंगे। अब यही बस उठपटांग दिख रहा है आपको, बाकी तो सब 1 0 1 0 1 0 हो गए। 3/2 1 कब होगा, तो बहुत आसान काम, उसके लिए बहुत रास्ते हैं,
2 बाई 3 को इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, 2 बाई 3 इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मिनट, 3 बाई 2 उसकी सहायता से, इस रो में, यहाँ पर इस रो में इसकी सहायता से इसमें 3 बाई 2 मल्टीप्लाई करके इसमें हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी सहायता से इसको अपने को, इसकी सहायता से इसको जीरो करना है, कॉलम में काम करना नहीं, रो से ही करना है। तो क्या करेंगे अपन, R1 में ही प्रोसेस चलेगा, R1 में वर्क करने वाले हैं, जैसे अभी अपन R1 में किए। ठीक है, और कैसे करेंगे, R3 की हेल्प से करेंगे। तो R1 में हम माइनस करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं इसका, किसका, R3 में मल्टीप्लाई करके, किसका, 3 बाई 2 का, 3 बाई 2 R3। समझ में आया, ये 3 बाई 2 है, यहाँ 3 बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, जीरो हो जाएगा। चलो अप्लाई करो प्रोसेस, दैट इम्प्लाइज, हाँ क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आंसर ही है। ये तो होगा 1 क्योंकि सब इधर जीरो हैं, ये भी जीरो होगा, अब ये भी जीरो हो गया इसके हेल्प से, 0 1 0 0 0 1। अब जो भी ध्यान देना है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, R1 में ये R1 है 1/5, इसमें माइनस होगा 2/5 इंटू 3/2। ये R3 को देखना है आपको ना, ये R3 को देखना है और R1 को देखना है, तो यहाँ 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/5 माइनस 3/5, तो हो जाएगा माइनस 2/5। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 2/5 पहला एलिमेंट। बस ये तीनों एलिमेंट को थोड़ा सावधानी से करना है, यहाँ पर क्या है आपके पास 3/10 और ये इसमें माइनस होगा, माइनस क्या 1/5 और इनटू क्या मल्टीप्लाई होके, 3/2 मल्टीप्लाई होके, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 10, तो 3 माइनस 3, वाह 3 माइनस 3 0, ये 0 हो गया। ठीक है, अब 0, ये 0 के साथ ऐड होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2/5 और इनटू 3/2, 2 कैंसिल हो गया, तो 3/5 ये आ गया क्या, 3/5। क्लियर, इनटू ए, बाकी एलिमेंट्स आपको कॉपी करना है, माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 और ये माइनस 2/5। ये अब आप देखो, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बन गया, आई बन गया, आई बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स, क्योंकि ए ए इन्वर्स के साथ ही मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, आई बनता है। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर होगा, देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल, ये आंसर हो जाएगा क्या, माइनस 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 और ये उसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं, 2/5 1/5 माइनस 2/5 आंसर। ठीक, अपनी तसल्ली के लिए एक बार आंसर मैं टेली कर लेता हूँ, क्योंकि इस तरफ के प्रोसेस में आपको सावधानी से काम करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पहली बात को आपको प्रोसेस क्लियर हो कि कैसे कैसे करना है और सावधानी से काम करना है। ठीक है, इसका आंसर आता है देखिए, माइनस 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5। ओके, ठीक है, हमको भी थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ाते हैं तो टेंशन बना रहता है, क्योंकि प्रोसेस कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर, लेकिन कहीं पर ऐसा मिस्टेक हो जाता है, हड़बड़ी में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ये आपसे भी हड़बड़ी में हो जाएगा। तो ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा और एक ही क्वेश्चन सफिशियंट है मेरे बताने के लिए। अब इसमें आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी बुक होगा उसमें इसके क्वेश्चन होंगे, और एनसीईआरटी की बुक में तो बहुत अच्छा कलेक्शन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, या मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ अभी, ठीक है, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ और आप इसका एलिमेंट्री ट्रांसलेशन करिए, और आपको यदि बताते बनता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में
लिखिए, नहीं बनता तो फिर नेक्स्ट वीडियो में पर उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये मैं एक यूनिक चीज़ आपको बताया, ये यूनिक चीज़ आपको बताया, यदि आप इसको मेरे तरीके से सीख गए होंगे 15 ट्रिक्स, इसे भी आप समझ गए होंगे, तो फिर आप इसके बहुत अच्छे जानकार हो गए, फिर आप दूसरों को बताने के आपके काम है, क्योंकि ये सबसे नहीं बनता। मेरा बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है, अच्छे अच्छे लोग को यदि ये ट्रिक्स नहीं पता हो, वो तो घंटों उनको सोचने में टाइम लग जाता है कि किसके बाद किसके साथ मैं क्या करूं। इसलिए आपको 15 ट्रिक्स जो इसके क्वेश्चन को बताने के पहले मैं बताया, उसके बेस पर आपको बनाना है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्लियर, ले लिया। अब मैं क्वेश्चन आपको लिखता हूँ और उस क्वेश्चन को आप इस मेथड से खूब ट्राई करिए। यदि आप उसको अच्छे से बना लिए तो मान के चलिए आप एक यूनिक चीज लर्न कर लिए। क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूँ, आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन, लेकिन क्या है, पूरे मेरे स्टूडेंट जितने आप लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, सबका एक होमोजीनियस क्वेश्चन हो तो मज़ा आता है पढ़ने में कि हाँ सर ये क्वेश्चन दिए थे, हम सब ने बनाया। ये क्वेश्चन आप लिख लो, ये एनसीईआरटी मिले क्वेश्चन आपको। जनरली मेरा कंटेंट्स एनसीईआरटी या आरडी शर्मा पर बेस्ड होता है। 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1 3 1 1 एलिमेंट छोटे छोटे हैं, बढ़िया है। इस क्वेश्चन का आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए पेशेंस के साथ। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में जो 15 ट्रिक्स बताया उसको बार बार देखिए। यदि आपको एक बार वीडियो को देखने से समझ में नहीं आता तो मेरा आपको सजेशन है कि उसको आप रिपीट करिए शुरू से, और सबसे पहले पूरा ध्यान से आप देख लीजिए उसको कि कैसे कैसे मैंने किया है। फिर जो पहले अभी मैं क्वेश्चन बताया उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बाद में इस क्वेश्चन को आप लो और इसको सॉल्व करो, और इसका आंसर जो आएगा इन्वर्स का, यदि आपको उससे टाइपिंग करके डालते बनता है तो ठीक है, तो उसको आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मुझे बहुत खुशी होगी यदि कुछ लोग ट्राई करके उसका सही आंसर बनाएंगे। तो आज मैंने आपको एक यूनिक टॉपिक पढ़ाया, बस मेरा लास्ट आपको यही मैसेज है कि इस पर आप अपना एफर्ट लगाइए और मेहनत करिए। ओके, थैंक यू।